प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहली वीडियो में अलंकार क्या होते हैं, उसके भेद कितने हैं, शब्द अलंकार में क्यों कौन कौन से अलंकार आते हैं, अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, उसके विषय में आपको पढ़ाया था। अब मैं 9th क्लास में जो हैं शब्दालंकार हैं, उसमें शब्दालंकार में तीन अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो उसके विषय में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी, उसकी क्या परिभाषा है अलंकार की और क्या उसका उदाहरण है और इसका स्पष्टीकरण क्या है, किस प्रकार से इसमें ये अलंकार आया है। ठीक है, सबसे पहले लेंगे हम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जहाँ किसी व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। हमने उदाहरण लिया, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब हमने ये तो पंक्ति पढ़ ली और हम ये भी बता रहे हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार इसमें कैसे है, तो हम इसका स्पष्टीकरण निकालेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें छह वर्ण की आवृत्ति है, इसमें है, इसमें है, तो कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है, छह। तो छह वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा जो है, जहाँ एक ही शब्द बार बार आता है किंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लेंगे, कनक कनकते सो गुनी मादकताधिकाय वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। अब इसमें दो बार कनक शब्द आया है, कनक शब्द दो बार आने के कारण, अब ये तो देख लिया कि भी कनक शब्द है, यहाँ पे भी है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का है सोना, तो इस कारण से इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, अब लेंगे हम श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा, जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ प्रकट करे वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लिया हमने, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। अब जो ये तीसरा पानी शब्द है, ये पंक्ति, इसी को हम देखेंगे और इसी से हम श्लेष अलंकार निकालेंगे। जो ये पानी शब्द है तीसरा, पहले लिया मोती, मोती के संबंध में चमक, मानुष का अर्थ होता है मनुष्य, मनुष्य के संबंध में सम्मान। ये कह देना कि भाई कोई बात होगी तो उसका पानी मर गया, अगर किसी में ने कोई गलती कर रखी हो और वो उसे पूछा जा तो क्या कहेगा कि मैंने नहीं किया, लेकिन उसके अंदर का जो पानी है, मान सम्मान है, उसका खुद ही दिखाई दे जाता है। फिर है चून, चून के संबंध में जल। अतः इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। मैंने आपको ये समझा दिया, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई त्रुटि होगी तो आप अवश्य बताएं। ओके, धन्यवाद।